कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के राजकीय व निजी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के राजकीय व निजी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। गणित के प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त द्वारा कायाकल्प कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत हर महीने छात्रों का टेस्ट होता है, जो जेईई तथा नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ये टेस्ट हमीरपुर के सरकारी व गैर सरकारी सभी स्कूलों में लिए जा रहे हैं। कायाकल्प जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने ये चलाया हुआ है। हर मंथ जो इसका कायाकल्प का बच्चों का टेस्ट होता है, क्योंकि जेई मेन के लिए और नीट के लिए दोनों तरह के ये टेस्ट होते हैं, ताकि उनको बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि जो बच्चे जो जेई मेन का टेस्ट देंगे या नीट का टेस्ट देंगे, ताकि उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उस टेस्ट के लिए बच्चों को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। और हर मंथली इन बच्चों का कायाकल्प के तहत जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट जो है प्राइवेट स्कूलों में भी, डीएवी में भी, केवी में भी, और सभी जो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फर में ये कायाकल्प वो प्रोग्राम चलाया गया है, ताकि बच्चों को जेई मेन और नीट के जो टेस्ट होंगे उसमें किसी भी तरह की समस्या ना आए। 12वीं कक्षा के नॉन मेडिकल के छात्र पीयूष जसवाल ने बताया कि उपायुक्त द्वारा जो कायाकल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है, उससे काफी मदद मिली है। इसके माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न जेईई तथा नीट की परीक्षा में पूछे जाएंगे, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल का पता चलता है। बेसिकली जो पहले ऑनलाइन टेस्ट होता था, उसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन डीसी सर ने जो स्कीम निकाल ली ना, इससे हमें डिफिकल्टी लेवल का पता लग जाता है, कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और कैसे कैसे हमने टैकल करना है, और कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो इससे हेल्प हुई है पेपर में उसे सॉल्व करने के लिए, और आसान लग रहा है। बहिं विशाल ने बताया कि उपायुक्त द्वारा जो कायाकल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसके माध्यम से पता चला कि किस प्रकार जेईई तथा नीट का ऑनलाइन टेस्ट कैसे और कहां से शुरू करना है, और इसमें किस प्रकार के प्रश्न टेस्ट में पूछे जाएंगे। कायाकल्प से एक तो हमें यह पता चलता है कि हमें पेपर कैसे करना है, और जैसे कि हमने अभी जेई में दिया, तो पहले हमें सेंट्रल स्कूल में बुलाया जा रहा था कायाकल्प के लिए, तो हमें वहां पर ऑनलाइन भी टेस्ट कराया गया, जिससे हमें पता चला कि हमें टेस्ट कैसे लेना है।